मोदी है तो मुमकिन है दुनिया का कोई भी आफत आए, मोदी हमें साथ खड़ा दिखे। युद्ध में सबसे बड़ी ढाल बना तिरंगा। ये सुरक्षित घर लौट जाने की खुशी है, ये अपनों से मिलने की खुशी है। माँ आरती उतार रही हैं, घर वाले मिठाइयां खिला रहे हैं, ये सरकार के प्रयासों का परिणाम है। यूक्रेन संकट के बीच बिहार के बच्चे लगातार अपने घर लौट रहे हैं, घर वाले खुशी के मारे झूम रहे हैं। भारतीयों का सबसे बड़ा सहारा तिरंगा। विदेशी छात्र भी कर रहे हैं तिरंगे का इस्तेमाल। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन में जो इस वक्त रसिया से लड़ाई चल रहा है, महायुद्ध है, उस युद्ध में, महासंग्राम में, महायुद्ध में हमारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। भारत सरकार की कोशिश है, भारत सरकार की पहल है, जो वहाँ से बच्चे कुछ आ रहे हैं, कुछ को लाया जा रहा है, और जो वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार की तरफ से पूरा दिलासा दिलाया जा रही है और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को सकुशल यहाँ तक, भारत तक, आपकी भूमि तक जरूर पहुंचाया जाएगा। एक बच्चे हैं मेरे साथ जो विनित्सा, यूक्रेन का एक सिटी है विनित्सा, वहाँ पे अपना मेडिकल का पढ़ाई पढ़ रहे थे, शिक्षा वो ले रहे थे। उनसे बात करूँगा और उस खौफनाक मंजर के बारे में कि इनका क्या अनुभव रहा, वो डर के साए में जीना, क्या कहेंगे, डर के साए में ही तो जीना था वहाँ। हाँ, जब वॉर स्टार्ट होती है तो फिर पता नहीं होता है ना कब आके गिरेगा आप पे कुछ, तो हाँ डर ही है। तो मम्मी पापा से बात हो पा रही थी उस दरमियान? हाँ, बात तो हो रही थी क्योंकि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम था नहीं वहाँ, नेटवर्क। हाँ, तो हम बार बार इन्फॉर्म कर रहे थे घर वालों को कि क्या चल रहा है वहाँ पे। किस ईयर के हैं आप? हम फोर्थ ईयर है, जून में ख़त्म होता फोर्थ ईयर मेरा। फोर्थ ईयर में जब आपको पता चला, या आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो विनित्सा के अलग कीब में होंगे, उनसे जब बात होता था और वो उस मंजर का अगर चर्चा आप लोग करते होंगे, तो वो चर्चा सुनकर कैसा आप सिहर जाते होंगे कि सामने में मौत है और यहाँ पे मैं हूँ, मेरे गार्जियन वहाँ हैं, पूरे घर अस्त व्यस्त हो गया होगा, तो दोस्तों से क्या चर्चा होती थी वहाँ? दोस्त तो हर जगह ही हैं, की में भी थे, खारकीव में, सूमी में, नहीं तो हमारे अगर दोस्त नहीं है तो दोस्त के दोस्त वहाँ पे हैं। तो वहाँ तो जैसे ही कंटिन्यूस शेलिंग हो रही थी, तो 24 को स्टार्ट होने के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट कीव में ही था। तो वहाँ के फ्रेंड्स, वहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट टनल है, मेट्रो का टनल, वही उसी को एज अ बंकर यूज़ कर रहे थे। तो वो लोग कंटिन्यूसली, कुछ दोस्तों से तो ऐसी बात हुई कि वो लोग एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन तक लगातार वहीं हैं, अपना खाना लेके, कुछ एक बैग लेके दौड़े वहीं बैठे हुए हैं वहाँ। एक दो दिन तक कॉल भी नहीं लग रहा है उन लोगों को, उनसे बात भी नहीं हो पा रही है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। खारकी में भी लोग अपने घर में थे स्टार्टिंग में, तो बाउंड्रीज के बाहर विलेजेस में चल रही थी फाइट, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे सिटी इन्वेजन हुआ तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। इवन अभी तक कुछ लोग हैं जो वहाँ हैं, कुछ लोग निकल गए वहाँ के नियरेस्ट बॉर्डर को, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो, जिनको असल में हेल्प की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ वहाँ पर कि बहुत, एक विदेशी होने के नाते यहाँ पे हम लोगों के साथ कोई ज्यादती हो रहा है, इस तरह का अनुभव रहा आपका? नहीं, कभी नहीं रहा। इवन अभी भी जब बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे थे तो इतनी ठंड थी वहाँ, यूक्रेनियन साइड में भी एनजीओ के मेंबर्स या वॉलंटियर्स खुद खड़े थे, बढ़िया से तैयार होकर खड़े थे हम लोगों की हेल्प करने के लिए। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था कि वो कुछ रात के 12 बजे या सुबह के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो कुछ कर रहे हैं। वो खुशी खुशी हमारी मदद कर रहे थे, हमें खाना खिला रहे थे, गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे थे, आग जला के रखा हुआ था वहाँ पे ताकि हम, अगर जब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, उसके आसपास बैठ पाएँ। तो काफ़ी मदद मिल रही थी, वो लोग कंबल भी बांट रहे थे। भारत सरकार की तरफ से क्या पहल आपको मतलब किया गया, जो आप जैसे स्टूडेंटों को वहाँ लाभान्वित हुए, जो फ़ायदा पहुँचा, भारत सरकार ने क्या क्या पहल की? इंडियन एम्बेसी कंटिन्यूस मॉनिटर कर रही थी सिचुएशन, जैसा कि वो कह रहे थे।
ऐसा 14 फरवरी से ही वो लोग नोटिस जारी कर रहे थे कि जिनकी ज़रूरत नहीं है यूक्रेन में वो चले जाएं, वो जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग नहीं लग रहा था, वो बात इन्फ्लुएंसिंग लग नहीं रही थी, क्योंकि हम तो वहाँ स्टूडेंट हैं ना, हमारी ज़रूरत तो है वहाँ पर, हम तो घूमने नहीं आए ना। तो हम लोग वेट कर रहे थे किसी, मतलब बहुत स्ट्रांग पॉइंट का कि हाँ ठीक है आप जाइए ही आप, उसका वेट करते करते लेट हो गया। और फिर वो, फिर बाद में जब वॉर स्टार्ट हो गई तब वो कह रहे थे कि वो उनका नया जारी हुआ एडवाइजरी, किसी तरह बॉर्डर्स पहुँचिए आप लोग, किसी तरह बॉर्डर्स पहुँचिए, बॉर्डर क्रॉस करने मिल रहा है, आप बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे। आपको कहाँ लिफ्ट किया गया? बुखारेस्ट में, रोमेनियन बॉर्डर, सुचेवा क्रॉस करने के बाद वहाँ से बस से ले गए बुखारेस्ट में, और वहाँ से पैदल भी आपने यात्रा की क्या कुछ? हाँ, पैदल यात्रा करनी पड़ रही थी, जैसे कि मेरे बस ड्राइवर, मतलब छोटी बस थी हमारी, मिनी वैन थी, और उनको रास्ता पता था बहुत अच्छा, तो वो एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ले गए, 3-4 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ा होगा, नहीं तो स्टूडेंट्स 14-14 किलोमीटर तक चले हैं, 15 किलोमीटर तक। काफ़ी अनुभव इन्होंने साझा किया, काफ़ी डराने वाला, सिहराने वाला वो मंजर था। आप सोच सकते हैं कि मौत सामने, मौत है और सामने मौत देख रहे हैं, फिर उस मौत के आगोश से बच्चे को बचा कर लाना यहाँ तक, ये बड़ी बात है। भारत सरकार की भी पहल सराहनीय है, उन्होंने भी फरवरी से भी एडवाइजरी जारी कर दिया था कि जिनका काम नहीं है यूक्रेन में वो वापस चले जाएं। इस वक्त मेरे साथ इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी एक चंद सवाल करूँगा। जब पता चल गया आपको कि यूक्रेन में वॉर शुरू है, उस समय आपका क्या इनसे बातचीत हुआ या क्या कुछ इस तरह का हुआ, नहीं मेरा बच्चा सेफ है कैसे आएगा, कुछ बेचैनी, कुछ हड़बड़ाहट थी आपको? बहुत बेचैनी थी, बहुत हड़बड़ाहट थी, अपने बच्चों के साथ साथ 18,000 बच्चे और थे भारत के, उस समय पर जो है सो जो आफत आ रहा था, आने वाला था, उसके लिए काफ़ी बेचैनी थी। और मैं अपने बच्चों के कॉन्टेक्ट में था कि जल्द से जल्द तुम वापस जाओ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी 4th ईयर के स्टूडेंट का कि वहाँ इस कॉलेज, इसके वो कह रहे थे कि अब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, इसलिए ये लोग ये भी कह रहे थे कि 14 से ये चल रहा है समस्या, वार का कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए वेट कर रहे थे। लेकिन जब वार शुरू हो गया तो उसके बाद बहुत सारी बेचैनियाँ बढ़ गई, और फिर मैंने इनको कहा कि जल्द से जल्द जैसे भी हो फ्लैट पकड़ के आप आ जाएँ, और इन्होंने फ्लैट की व्यवस्था भी की, लेकिन वो फ्लैट फिर कैंसिल हो गया। फिर भारत सरकार के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से टिल घर तक बच्चे को पहुंचाएगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत सरकार, बिहार। आपके बच्चे कब आए यहाँ पर? कल आए हैं 3 बजे में, 3 बजे कल, 3 तारीख को 3 बजे में हूँ। तो कब आप को लगा कि आश्वस्त हो गए आप कि नहीं अब मेरा बच्चा सेफ है, आ जाएगा? जब रोमानिया में इन कर गया तो मैं हो गया, आश्वस्त हो गया कि अब मेरे बच्चे सेफ साइड में आ गए। दरअसल रोमानिया जो है वो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर पे है, दूसरा कंट्री है, और वहाँ से बच्चों को लिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस देश में वॉर छिड़ा हुआ है, जंग जारी है, वहाँ पे तो एयरलिफ्ट नहीं हो सकता है, लिहाजा रोमानिया, हंगरी जो उसके बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे बच्चों को लिफ्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे बच्चों को लाया जा रहा है। भारत सरकार जो है इस दिशा में पहल कर रही है, वहाँ के दूतावास सक्रिय है, नेता सक्रिय हैं, यहाँ तक कि जो जिला स्तर के जो नेता हैं जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं उनको वरिष्ठ, और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि वैसे बच्चों के पास जाइए और उन्हें दिलासा दिलाइए, उन्हें ढांढस बधाइए, जो बच्चे नहीं आए हैं उनके परिजनों को भी दिलासा दिलाइए कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं और सुरक्षित आपके बच्चे आपके घर तक आएंगे। इस सिलसिले में जिलाध्यक्ष शंकर झा जी, जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, नगर बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुबोध जी, और राहुल जी साथ युवा मोर्चा के कई नेता हैं, ये प्रतिनिधिमंडल है और इसका नेतृत्व शंकर झा जी कर रहे हैं, और लोगों के बीच जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उसके पास जा रहे हैं और उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। जो बच्चे नहीं आए हैं उन पर भी उनकी कड़ी निगाहें हैं कि वो बच्चे कैसे आएँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रजेंद्र नाथ झा, मधुबनी।